हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के चैप्टर से वर्कशीट फोर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो देखिए वर्कशीट फोर में जो भी क्वेश्चंस आपके हैं सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड हैं तो देखो इस वर्कशीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझा देती हूँ ओके okay? तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट जब आप पढ़ोगे तो यहाँ आपको तीन पॉइंट याद रखने हैं प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम प्रिंसिपल क्या होता है देखो द मनी विच वी डिपोजिट इन और बोरो फ्रॉम अ बैंक और मनी लेंडर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल देखो ऐसे मनी जो मतलब ऐसे पैसे जिसे हम लोग बैंक में डिपोजिट करते हैं ठीक है या फिर बैंक से बोरो करते हैं लोन लेते हैं या फिर मनी लेंडर कोई कोई लोग होते हैं जो मनी लेंडर से भी पैसे लोन लेते हैं तो जितने पैसे लोन लिए जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है प्रिंसिपल ठीक है तो ऐसा नहीं है कि जो जो पैसे हम लोग लोन लेते हैं उसे ही प्रिंसिपल कहते हैं नहीं मान लो देखो हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं मान लो किसी ने फाइव थाउजेंड रुपीज डिपोजिट दिप, दिपो, किया या फिर टेन थाउजेंड रुपीज तो जितने भी पैसे आप डिपोजिट करते हो बैंक में देखो जितने भी पैसे आपका कितना भी हो हंड्रेड रुपीज हो फाइव हंड्रेड रुपीज हो जितना भी हो जितने पैसे आप बैंक में डिपोजिट करते हो ठीक है वो आपका प्रिंसिपल कहलाएगा या फिर जितने भी पैसे आप बैंक से बोरो करते हो ठीक है वहाँ से आप विदड्रॉ करते हो बैंक से जितने भी पैसे वो फाइव हंड्रेड हो सकता है वन थाउजेंड हो सकता है कितना भी हो सकता है उसे भी हम प्रिंसिपल कहेंगे तो जितने पैसे हम लोग डिपॉजिट करते हैं या जितने हम लोग विदड्रॉ करते हैं ठीक है वो सारे पैसे आपके क्या कहलाएंगे प्रिंसिपल कहलाएंगे इस चीज़ को याद रखना ठीक है या फिर देखो कुछ लोग होते हैं जो मनी लेंडर से भी पैसे लेते हैं उधार के तौर पर तो वो भी आपका क्या कहलाएगा प्रिंसिपल कहलाएगा सेकंड पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे सिंपल तरीके से आप समझो देखो हम लोग पैसे जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं या फिर बैंक से विड्रॉ करते हैं लोन लेते हैं तो उस पर कुछ इंटरेस्ट आता है मान लो आपने कुछ पैसे डिपॉजिट किए हैं सेविंग के तौर पर फाइव थाउजेंड रुपीज़ मान लो और फाइव इयर्स के लिए किए तो जब आप फाइव इयर्स के बाद वो फाइव थाउजेंड रुपीज़ को आप विदड्रॉ करने जाओगे फाइव आफ्टर फाइव इयर्स देन आपको देखो सिर्फ फाइव थाउजेंड पर नहीं मिलेगा उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मिलता है वो फाइव थाउजेंड या तो आपको एट थाउजेंड मिलेगा नाइन थाउजेंड मिलेगा वो रेट इंटरेस्ट uh, पे डिपेंड करता है कि वो कितना मिलेगा आफ्टर फाइव इयर्स तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं वो ही रेट हो इंटरेस्ट होता है ठीक है वो ही हमारा इंटरेस्ट आएगा तो वो कैसे आता है देखो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट क्या है है इंटरेस्ट ऑन रुपया हंड्रेड फॉर वन ईयर इज़ नॉन एज रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पर ईयर और रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पर एनम देखो तो इंटरेस्ट वो मतलब कि आपने फाइव थाउजेंड रुपीज़ डिपोज़िट किए हैं एंड फाइव ईयर्स के बाद आपको एट थाउजेंड मिला है तो एक्स्ट्रा आपको कितना मिला है थ्री थाउजेंड वो टोटल थ्री थाउजेंड आपका इंटरेस्ट हो गया बट यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है मीन्स आपको हंड्रेड रुपीज़ पर वन ईयर में कितना मिल रहा है तो देखो हंड्रेड रुपीज़ पर कहीं भी आपको अगर हंड्रेड रुपीज़ पर वन ईयर में जितना आपको एक्स्ट्रा मिलता है ठीक है हंड्रेड रुपीज़ पर मान लो हंड्रेड uh, रुपीज़ पर वन ईयर के बाद हंड्रेड फाइव मिल रहा है मतलब फाइव रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो फाइव रुपीज़ आपका इंटरेस्ट हुआ ओके okay? तो uh, वो जो इंटरेस्ट होता है हंड्रेड रुपीज़ मिल मिलता है एंड वन ईयर के लिए या पर एन एम का हो या वन ईयर का हो पर एन एम भी मीन्स ईयर uh, ही होता है ओके नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइम द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज़ कैप्ट इन बैंक इज़ कॉल्ड टाइम तो देखो हम लोग जो पैसे डिपॉजिट करते हैं सेविंग के लिए तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है या फिर अगर हम लोग लोन लेते हैं तो वो भी बैंक आपको एक लिमिटेड टाइम में आपको वो बैंक के लोन को उन्हें देना पड़ता है रिटर्न करना पड़ता है तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो ही इसमें आपको उसी को ही हम लोग टाइम कहते हैं देखो द दे टाइम द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज गैप्ट वो जो पैसे हम लोग लोन लेते हैं ठीक है मान लो आपने थ्री ईयर्स के लिए लोन लिया तो वो थ्री ईयर्स ही आपका टाइम होगा या फिर मान लो आपने फाइव ईयर्स फा फा के लिए पैसे को डिपॉजिट किया बैंक में सेविंग के लिए तो वो जो फाइव ईयर्स होगा वो ही आपका टाइम पीरियड होगा ठीक है तो ये तीन पॉइंट आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना समझ लेना एंड उसके बाद देखो क्या है सिंपल इंटरेस्ट तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या है जो मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया है सिंपल इंटरेस्ट इज़ द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लैंडर फॉर यूजिंग द मनी सिंपल इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो एडिशनल मनी पेड बाय द बैंक फॉर द मनी डिपोजिटेड तो यही मैंने अभी आपको समझाया था कि इंटरेस्ट जो आता है हमारा मान लो मैंने फाइव थाउजेंड रुपीज़ जो डिपॉजिट किए हैं तो उस पर जो आफ्टर फाइव इयर्स या आफ़्टर सिक्स ईयर्स कुछ इंटरेस्ट आएगा थ्री थाउजेंड आया फोर थाउजेंड आया जितना भी इंटरेस्ट आएगा तो वही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया या फिर अगर हम लोग लोन लेते हैं तो लोन लेते हैं तो बैंक जितने लोन देती है वो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न uh, हमें करना होता है तो वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न करना होता है देखो एडिशनल मनी उसे ही एडिशनल मनी कहा जाता है या सिंपल इंटरेस्ट कह लो तो वो जो एडिशनल मनी पेड करनी होती है उसे ही सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कहते हैं ओके okay. अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है मान लो आपको प्रिंसिपल दिया है रेट दिया है टाइम दिया है ठीक है ना मान लो आपने फाइव थाउजेंड रुपीज़ सेव करने हैं आपको बैंक में रेट आपका दिया है फाइव परसेंट टाइम दिया है थ्री इयर्स तो सिंपल इंटरेस्ट इजीली फाइंड हो जाएगा क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम एंड आप देखो इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा यहाँ से तो अगर आपको ये फाइंड करना है कि हमें मान लो आपने जो लोन लिया है हमें कितना रिटर्न करना है तो कितना रिटर्न करना पड़ेगा हमें तो ये तो इंटरेस्ट आया गया इस तरह से अगर हम फाइंड करेंगे ये चीज़ें तो ये हमारी इंटरेस्ट आ गई कि कितने इंटरेस्ट के तौर पर हमें रिटर्न करना है बट जो एक्चुअल मनी थी जो हमने लोन लिया है फाइव थाउजेंड रुपीज़ तो उसे भी उस इंटरेस्ट में ऐड करना होगा तो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा एंड प्लस जो हमने प्रिंसिपल uh, प्रिंसिपल uh, ही उसे कहेंगे जो हम लोग पैसे लोन में लेंगे तो वो दोनों ऐड करके जो हम रिटर्न करेंगे वो टोटल अमाउंट आपके कहलाएगा ठीक है उन दोनों को ऐड करके हमें अमाउंट मिलेगा नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है उसे भी आप समझ लो यहाँ देखो फर्स्ट में है इफ टाइम टी इज इन मंथ्स देन कन्वर्ट इट इनटू ईयर बाय डिवाइडिंग इट बाय ट्वेल्व अगर आपको टाइम Uh, इसमें देखो हमारे पास थ्री पॉइंट्स थे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम एंड प्रिंसिपल तो इसमें से अगर आपको टाइम मंथ्स uh, में दिए जाए ठीक है अगर आपको टाइम मंथ्स में दिए जाए देन आपको क्या कर लेना है टाइम को मान लो सिक्स मंथ्स दिए जाए या थ्री मंथ्स दिए जाए टू मंथ्स दिए जाए तो उस uh, उसे आपको कन्वर्ट कर लेना है ईयर में ट्व से डिवाइड करके ठीक है अगर आपको टू मंथ्स दिए जाए मान लो टू मंथ्स दिया गया है तो टू को ट्वेल्व से आपको डिवाइड कर देना है तो ये आपका ईयर में चेंज हो जाएगा ओके नेक्स्ट पॉइंट है इफ टाइम टी इज इन वीक्स देन कन्वर्ट इट इन टू ईयर्स बाई डिवाइडिंग इट बाई फिफ्टी टू अगर आपको टाइम ठीक है अगर आपको टाइम वीक्स में दिए जाए देन आपको उसे ईयर में कन्वर्ट कर लेना है कैसे फिफ्टी टू से डिवाइड करके मान लो फोर वीक आपको दिया गया है ठीक है फोर वीक आपको टाइम दिया गया देन आपको फोर को क्या कर देना है फिफ्टी टू से डिवाइड कर देना है तो ये आपका ईयर में चेंज हो जाएगा ओके okay, ये भी आपका ईयर में चेंज हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ टाइम टी इज इन डेज देन कन्वर्ट इट इन टू ईयर बाई डिवाइडिंग इट बाय थ्री सिक्सटी फाइव अगर आपको टाइम डेज में दिए जाए देन आपको डेज को क्या कर देना है थ्री सिक्सटी फाइव डेज से डिवाइड कर देना है आपको ईयर में मिल जाएगा मान लो थर्टी फाइव या थर्टी फोर डेज दिया गया है ठीक है तो डेज़ को हमें ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव से डिवाइड कर देना है देन ये आपका मिल जाएगा ईयर में आंसर ठीक है क्योंकि देखो थ्री सिक्सटी फाइव डेज मिलकर आपका वन ईयर होता है तो थ्री सिक्सटी फाइव डेज से डिवाइड करने से हमें ईयर में मिल जाएगा फोर्थ पॉइंट है इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ पर रुपी ठीक है यहाँ देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी तक हमारा टाइम था तो इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ पर रुपी एंड नॉट परसेंट देन कन्वर्ट इट इंटू परसेंट बाई मल्टीप्लाइंग इट बाई हंड्रेड अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है अगर आपको रेट ऑफ़ इंटरेस्ट रुपी में दिए जाए परसेंट में ना दिए जाए ठीक है ऐसे तो आपको परसेंट में ही दिया रहेगा बट मान लो अगर आपको परसेंट में ना दिया गया हो आपको रुपी में आंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया हो देन आपको क्या कर लेना है मान लो फाइव सिक्स रुपीज फाइव रुपीज कुछ भी दे दिया गया हो तो उसे आपको परसेंट uh, में चेंज कर लेना है हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके इसे क्या कर देना है हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपका परसेंट में चेंज हो जाएगा ठीक है तो देखिए वर्सेट फोर में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अननोन क्वांटिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको देखो एक चार्ट दिया गया है इसमें क्या क्या आपको अननोन है उसे आपको फिल करना है देखो यहाँ है प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन एम यहाँ पर एन एम में दिया गया है टाइम पीरियड आप देखो वन में फोर हंड्रेड रुपीज प्रिंसिपल है ठीक है इस चार्ट को आपको समझना होगा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ तो फर्स्ट में आपके पास प्रिंसिपल है फोर हंड्रेड रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइव परसेंट टाइम पीरियड थ्री इयर्स तो यहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है एंड अमाउंट तो ये बहुत इजी है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं पी इंटू आर इंटू टी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम एंड अमाउंट जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसे आपको प्रिंसिपल से ऐड कर देना है ठीक है तो देखो फर्स्ट में प्रिंसिपल फोर हंड्रेड है रेट फाइव परसेंट टाइम थ्री इयर्स तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी ओके तो पी फोर फोर हंड्रेड रुपीज है पी रेट फाइव परसेंट एंड टी टी मीन्स टाइम थ्री ठीक है तो यहाँ देखो फोर हंड्रेड इंटू फाइव परसेंट है ये परसेंट आपका या नीचे हंड्रेड में चेंज हो जाएगा परसेंट का साइन हटाएंगे एंड हंड्रेड नीचे ले आएंगे ओके अब देखो यहाँ कैंसिल कर देंगे ज़ीरो ज़ीरो और हमें मिलेगा फोर इंटू फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी सिक्सटी क्या सिक्सटी रुपीज़ होगा ओके सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ में आएगा ठीक है अब देखो uh, सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा फाइंड हो गया अमाउंट भी फाइंड करना था दे अमाउंट अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट हमें सिक्सटी रुपीज़ मिला है प्लस प्रिंसिपल फोर हंड्रेड तो ऐड कर देंगे फोर हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ ये इसका आंसर हो गया इसे फिल कर लेते हैं बुक में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट हमारा है, रुपीज। and amount आया है सिक्सटी रुपीज़ एंड अमाउंट आया है फोर हंड्रेड सिक्सटी सेकेंड में हमारे पास है प्रिंसिपल फोर हंड्रेड फिफ्टी रुपीज रेट फोर वन अपॉइंट टू परसेंट एंड टाइम थ्री इयर्स फोर मंथ्स तो यहाँ देखो रेट क्या है मिक्स नंबर में है इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं फोर इंटू टू एट एट प्लस वन नाइन नाइन अपॉइंट टू परसेंट एंड टाइम देखो ईयर एंड मंथ में है तो थ्री ईयर्स है तो थ्री तो आपका रहेगा ही थ्री ईयर्स फोर मंथ्स मीन्स आपका थ्री ईयर्स प्लस फोर मंथ्स होता है ओके थ्री इयर्स फोर मंथ्स थ्री इयर्स फोर मंथ्स मीन्स थ्री ईयर प्लस उसके साथ फोर मंथ्स तो अभी मैंने बताया था कि जब भी आपको टाइम मंथ में दिया रहेगा तो उस मंथ को आपको क्या कर देना है ट्वेल्व से डिवाइड करके उसे आपको ईयर में चेंज कर लेना है तो यहाँ हम लोग चेंज कर लेते हैं थ्री प्लस फोर को सिर्फ डिवाइड करना है थ्री को नहीं क्योंकि देखो थ्री तो ईयर्स में है ही फोर मंथ में है तो फोर अपॉन फोर के साथ ट्वेल्व को डिवाइड कर देंगे देन यहाँ देखो क्या मिलेगा थ्री प्लस फोर से ट्वेल्व थ्री टाइम्स जाएगा वन अपॉन थ्री ईयर्स हो गया ओके okay, अब ये दोनों ईयर्स में चेंज हो गया अब देखो इसे ऐड कर लेते हैं सिंपल थ्री टेन अपॉन थ्री हो जाएगा ये दोनों ऐड करेंगे तो टेन अपॉन थ्री ईयर्स अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड कर लेंगे therefore simple interest equal to p into r into t p आपका है फोर हंड्रेड फिफ्टी और रेट है रेट आपका नाइन अपॉन टू परसेंट टाइम आपका है टेन अपॉन थ्री ईयर्स ठीक है अब देखो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे फोर फिफ्टी इंटू नाइन इंटू टेन ऊपर के सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड नीचे का भी टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री इंटू ये परसेंट चेंज होकर हंड्रेड में चेंज हो जाएगा नीचे हंड्रेड आ जाएगा तब देखो यहाँ जीरो है यहाँ ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा ये ज़ीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा थ्री से नाइन कैंसिल होगा आपका थ्री टाइम्स ठीक है अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्टी फाइव एंड थ्री आपका आएगा वन थर्टी फाइव अपॉन यहाँ टू रह गया है टू ये आपका रु, रुपीज़ में आंसर आ गया अब देखिए यहाँ वन थर्टी फाइव अप पॉइंट टू है टू से डिवाइड करके इसे डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो आपका यहाँ मिलेगा सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव ठीक है सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव है फाइव के बाद कोई नंबर नहीं है तो यहाँ हम ज़ीरो रख सकते हैं ठीक है सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव जीरो अब अमाउंट यहाँ से फाइंड कर लेंगे देयर फॉर अमाउंट इक्वल टू अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला है सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव जीरो प्रिंसिपल हमारे पास फोर हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ है ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा फाइव हंड्रेड सेवेंटीन पॉइंट फाइव ज़ीरो ये आपका रुपीज़ में आंसर आ गया ठीक है अब ये आंसर हम लोग फिल कर लेते हैं बुक में आपका यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आया है सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो रुपीज़ एंड अमाउंट हमारा क्या है फाइव हंड्रेड सेवेंटीन पॉइंट फाइव ज़ीरोके थर्ड में हमारे पास देखिए प्रिंसिपल फाइव हंड्रेड रुपीज़ है रेट फिफ्टीन वन अपॉइंट टू परसेंट एंड टाइम वन फोर्टी सिक्स डेज तो यहाँ देखिए रेट मिक्स नंबर में है इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे फिफ्टीन इंटू टू थर्टी थर्टी प्लस वन थर्टी वन अपॉइंट टू परसेंट ठीक है और यहाँ टाइम डेज में है इसे ईयर में चेंज करने के लिए वन सिक्स थ्री सिक्सटी फाइव से डिवाइड कर देंगे थ्री सिक्सटी फाइव डेज से ये आपका ईयर में चेंज हो गया ठीक है अब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अब पी आपके पास फाइव हंड्रेड रुपीज है आर थर्टी वन अपॉन टू एंड टी वन फोर्टी सिक्स अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव एंड रेट जो हमारा है थर्टी वन अपॉइंट टू परसेंट तो परसेंट के लिए हंड्रेड नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा अब यहाँ देखिए कैंसिल कर देंगे हम लोग देखिए वन फोर्टी सिक्स है एंड थ्री सिक्सटी फाइव ये दोनों सेवेंटी थ्री से कैंसिल हो जाएंगे सेवेंटी थ्री से ये टू टाइम्स कैंसिल होगा एंड ये आपका फाइव टाइम्स ठीक है अब ये टू एंड ये टू कैंसिल हो जाएगा ये दो ज़ीरो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे फाइव एंड फाइव कैंसिल हो गया बस हमारे पास क्या रह गया थर्टी वन तो यहाँ आपका सिंपल इंटरेस्ट आया थर्टी वन रुपीज़ ठीक है अब अमाउंट हम लोग फाइंड कर लेंगे देयर फॉर अमाउंट इक्वल टू क्या होता है अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट हमें थर्टी वन मिला है प्रिंसिपल हमारे पास फाइव है ऐड करके हमें मिलेगा फाइव हंड्रेड ओके ये इसका आंसर हो गया तो इसे बुक में फिल कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला हमारे पास ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज है रेट फिफ्टीन परसेंट टाइम देखिए यहाँ क्या है टाइम आपको डेट दिया गया यहाँ से यहाँ तक एट अप्रैल टू ट्वेंटी जून तो यहां आपको कैलकुलेट करना है कि कितने डेज होंगे अप्रैल से जून तक तो आप देखिए अप्रैल एंड जून अप्रैल से लेकर जून तक आपको मंथ हो जा रहे हैं अप्रैल अप्रैल मई जून यहां देखिए थ्री uh, मंथ्स हो जा रहे हैं अप्रैल में आपका एट अप्रैल से लेकर स्टार्ट करना है तो एट अप्रैल से आपको स्टार्ट करना है मीन्स आपको एट को काउंट करना है वन से लेकर सेवन तक आपको काउंट नहीं करना है ठीक है वन से सेवन तक काउंट नहीं करना है आपको काउंट क्या करना है एट से लेकर अप्रैल में कितने डेज होते हैं तो थर्टी डेज होते हैं तो एट से थर्टी तक आपको काउंट करना है तो एट से थर्टी तक अगर हम लोग काउंट करेंगे तो हमें ट्वेंटी थ्री डेज मिलता है अप्रैल में ठीक एंड मे आपका फुल है पूरा मतलब पूरा महीना मे में जितने महीने जितने डेज होते हैं वन मंथ में सारे आपको यहाँ लिखने होंगे थर्टी वन डेज होते हैं मे में एंड जून में देखो ट्वेंटी जून तक ही है आपका फर्स्ट जून से ट्वेंटी जून तक तो आपको ट्वेंटी तक ट्वेंटी जून तक तो है बट ट्वेंटी को आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि मान लो अगर आपने बैंक में पैसे किए हैं क्योंकि ट्वेंटी को आप निकाल रहे हैं तो वन से नाइनटीन तक आपको मिलेगा तो यहाँ आपको कितने डेज हो जाएंगे नाइनटीन डेज जून में अब इन सभी को ऐड कर लेंगे यहाँ ऐड करके हमें मिलेगा सेवेंटी थ्री डेज ठीक है ये हमें कितना मिला टाइम सेवेंटी थ्री डेज तो इस टाइम को क्या करना है यहीं हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं सेवेंटी थ्री को थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज से डिवाइड करके तो ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो गया अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं देयर फॉर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी पी हमारा ट्वेल्व हंड्रेड है आर हमारे पास फिफ्टीन है एंड टाइम सेवेंटी थ्री अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव तो सेवेंटी थ्री ऊपर रहेगा आपका थ्री सिक्सटी फाइव नीचे एंड यहाँ हंड्रेड रहेगा क्योंकि रेट का जो रेट परसेंट है तो परसेंट को हमने परसेंट के साइन को हटाया तो नीचे हंड्रेड रखेंगे अब देखो ये ज़ीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे एंड सेवेंटी थ्री से थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव आपका फाइव टाइम्स कैंसिल होगा फाइव से फिफ्टीन आपका कैंसिल होगा थ्री टाइम्स और हमारा आंसर यहाँ आएगा ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला है थर्टी सिक्स रुपीज़ अब अमाउंट यहाँ फाइंड कर लेते हैं देयर फॉर अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट हमें थर्टी सिक्स मिला है प्रिंसिपल हमारे पास ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ है एड होकर हमें मिलेगा रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी सिक्स रुपीज इसका आंसर हो गया तो इसे सिंपल तो इंटरेस्ट हमारा है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो गया ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी सिक्स ओके आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं बाकी के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू